लेंस, लेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने डेली लाइफ में बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं, और ये है क्या एक, और हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं, किस वजह से यूज़ करते हैं, वो इस डेफिनेशन में ही है कि अ लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। यानी कि लेंस जो है वो कोई भी एक ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टिंग मीडियम हो सकता है। यानी कि रिफ्रैक्शन के लिए तो हमने एक चीज़ डिस्कस कर ली कि रिफ्रैक्शन जो है वो एक किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से हो सकती है। यानी कि अगर मैं एक सिंपल ग्लास और एक मिरर की बात करूं तो इन दोनों में फ़र्क ही यही है कि जो ग्लास है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जबकि जो एक मिरर है वो एक साइड से पॉलिश हुआ होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये शाइनी होता है। यानी कि मिरर जो है वो लाइट रेज को टकराने के बाद वापस भेज देगा, और ग्लास जो है वो लाइट रेज के स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद उसे वापस नहीं भेजता, बल्कि उसे सामने की तरफ पेनिट्रेट करवा देगा, आगे मूव करवा देगा। सो लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करवा सकता है। यानी कि जब भी हम इसको अपने आई साइड इस तरह यूज़ करते हैं इसमें, तो यहाँ हम जब लेंस इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद जो भी लाइट रे इसको आके स्ट्राइक कर रही होगी, तो वह हम मज़ीद अंदर, मतलब हमारे वो जो आई साइड है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, ताकि हम अपनी इमेज को देख सकें। अगर मैं एक लेंस जो कि पॉलिश्ड हो, यानी कि इस तरह कह लें कि जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, तो वो स्ट्राइक करने के बाद लाइट रे को वापस भेज देगा, तो हम कोई भी इमेज को देख नहीं पा रहे होंगे। अब इसमें कह रहे हैं कि टू और मोर सरफेसेस से बाउंड हुआ होता है, यानी कि लेंस जो है वो या तो कोई एक सरफेस से बन सकता है, और या तो दो सरफेस से भी हम इसको बाउंड करके मिलाकर बना सकते हैं। अब लेंस के मेन दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस और दूसरे वाले को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस वो लेंस है जो कि लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा होगा, यानी कि इस तरह कहें कि एक ऐसी लेंस जो कि सेंटर से थिन हो और इसके एजेस से, कॉर्नर से इसके थिक हो, तो इस तरह के लेंस को हम कहते हैं कि ये एक कॉनकेव लेंस है। यानी कि अगर मैं बिल्कुल इसको मैग्नीफाइड करके देखूं, तो मैग्नीफाइड करके देखने के बाद उसकी शेप कुछ इस तरह होगी कि वो सेंटर से थिन होगा और एजेस से थिक होगा। सो ऐसे लेंस को हम कहते हैं कि ये कॉनकेव लेंस है जो कि एजेस से थिक होगा और सेंटर से थिन होगा। जब हम इसके ऊपर लाइट रेज को स्ट्राइक करवाते हैं, लेट सपोज ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया, और जब मैं इसके ऊपर लाइट रेज को स्ट्राइक करवाऊंगा, तो लाइट रेज यूं आकर इस तरह कह लेंगे, यहाँ पर से इसने लाइट रे को स्ट्राइक किया और ये इसको फैला रहा होगा दूसरे साइड से, यानी कि यूं लाइट रेज आने के बाद वो इस तरह से डाइवर्ज करवा रहा होगा, फैला रहा होगा। सो इसको हम और भी कहते हैं कि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। जिस तरह कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर था, और ये इसी का बिल्कुल उलट है। लेंसेज के केस में लेंसेज की प्रॉपर्टी ये बिल्कुल उलट होगा कि जो कॉनकेव लेंस है अब वो डाइवर्जिंग लेंस होगा। जबकि कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो उसकी शेप कुछ इस तरह है कि वो, यानी कि इसको मैं अगर सही से ड्रॉ कर दूँ, ये एक इस तरह का शेप का है, जिससे हम देख सकते हैं कि जो एजेस से ये थिन होते हैं, जबकि सेंटर से ये थिक होते हैं, और जिस तरह बिल्कुल कॉनकेव लेंस का उलट है ये। अब जब मैं इसको पहले में अगर मैं इसका सेंटर मार्क कर लूँ, तो ये इस तरह कुछ आ रहा होगा, तो सेंटर आ गया। अब जब मैं इसके ऊपर लाइट रे को स्ट्राइक करवाऊँगा, तो लाइट रे स्ट्राइक कराने के बाद, जैसे मैंने यूं एक स्ट्रेट लाइट ऊपर स्ट्राइक करवाया, तो वो लाइट रे को अंदर की तरफ बेंड करवा रहा होगा। फिर मैंने एक और लाइट रे जब यहाँ पर से स्ट्राइक करवाऊँगा, तो वो भी इसको किसी एक पॉइंट पर मिला देगा। यानी कि अब हम देख सकते हैं कि ये जो एक पॉइंट है, एक ख़ास
पॉइंट है, यहाँ पर ये तमाम लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा होगा। यानी कि अगर मैं इस तरह कहूँ कि अब मैं एक तीसरी लाइट रे इस तरह कह लें कि मैंने यहाँ पर से पास करवाया, तो वो इसको इसी पॉइंट से ही गुजार रहा होगा लाजमी। यानी कि हम देख सकते हैं जो सेंटर पॉइंट है, ये जो इस पॉइंट पे लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक कन्वर्जिंग लेंस है। सो इस लेक्चर में हमने लेंसेज और उसके टाइप्स को डिस्कस किया।